फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल नेचर कैनवास में। दोस्तों, आप सभी के दिन की शुरुआत इन सुंदर सुंदर पेटूनिया के फूलों के साथ। लेकिन आज हम किसी फ्लावरिंग प्लांट पर बात नहीं करेंगे। आज मैं आपसे एक सेमी सक्यूलेंट प्लांट के बारे में बात करूंगी, और वो बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। और जैसा कि आज की डेट है 22 मार्च और सारे अपने भारतवर्ष में जनता कर्फ्यू पीएम मोदी के द्वारा लागू किया गया है, और मैंने कल भी अपनी वीडियो में कहा था इस तरह की घटनाओं पर आपको पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लॉकडाउन की स्थिति तो आजकल सब जगह चालू कर दी गई है। राजस्थान में भी 10 दिन के लिए लॉकडाउन कर दिया गया है। तो कुछ हम अपने ऐसे पसंद के काम, जिन जो शौक हमारे अधूरे रह गए हैं इन 10 दिनों में, 15 दिनों में, जितने दिनों के लिए भी लॉकडाउन की कंडीशन आ रही है, अपने इंडियन गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हुए उन्हें पूरा करें। जो हमारे अधूरे काम हम समय की कमी के कारण पूरा नहीं कर पाते, उन्हें पूरा करें। जो क्वालिटी टाइम अपने फैमिली के साथ नहीं बिता पाते, उसे बिताएँ। बस ये कि आपको कुछ सावधानी रखने की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने आसपास सफाई रखें, मास्क वगैरह ला कर रखें, अपने आसपास की हर चीज़ को सैनिटाइज करके रखें, स्पेशली अपने मोबाइल फ़ोन को। क्योंकि आज के टाइम में ये सबसे बड़ी सच्चाई है कि हम सबसे ज़्यादा जो चीज़ काम में लेते हैं वो है अपने मोबाइल फ़ोन। तो इनको भी अच्छे से सैनिटाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो आप इस आज के दिन की शुरुआत इस विचार के साथ, तो चलिए बढ़ते हैं उस प्लांट के पास जिसके बारे में आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। तो ये है मेरा वो स्पाइडर प्लांट। आज मैं आपसे इस बेहद ही खूबसूरत प्लांट के बारे में बात करना चाहती हूँ, स्पाइडर प्लांट के बारे में। मैं अपनी गार्डनिंग का काम कर रही थी और आज पूरा दिन भर मैं अपनी छत पर ही काम करूँगी। तो दोस्तों, ये बेहद ही खूबसूरत सेमी सक्यूलेंट एक प्लांट है। ये दो तरह के आता है, जैसे कि एक तो ये पत्तियां हैं, ये वेरीगेटेड वाली हैं जिसमें ग्रीन और वाइट कलर होता है, और दूसरी एक पूरी ग्रीन, जो मतलब पूरा ग्रीन आता है उसमें ये वाइट पोर्शन नहीं आता। तो दो तरह का ये स्पाइडर प्लांट होता है। ये एक सेमी सक्यूलेंट प्लांट है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये कि अगर आप एक बार इस प्लांट को अपने घर में ले आए तो ये लाइफ टाइम आपके पास रहेगा। आपको दोबारा इसे कभी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक प्लांट से आप हजारों प्लांट बना सकते हैं, इतना इजी ग्रोइंग ये प्लांट है। ये देखिए, मैं जब इसे लेकर आई थी तो मैं इतना छोटा सा एक ये प्लांट लेकर आई थी, और आज मेरे पास इसके कितने सारे प्लांट्स आपने जगह जगह लगे हुए देखे होंगे, कितने सारे प्लांट इसके हो चुके हैं, क्योंकि इससे ग्रो करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो ये बात है कि मैं आपको दिखाती हूँ प्लांट होता कैसा है। ये देखिए, इसके जब ये नीचे ग्रोथ करता है तो ये मोटे मोटे इस तरीके ट्यूबर्स बनने लगते हैं। ये देखिए कितने मोटे मोटे, जैसे कोई मूली, ऐसा दूर से देखो तो ऐसा लगता है मूली है कोई, लेकिन ये मूली नहीं है, ये इसके ट्यूबर्स हैं। अब ट्यूबर्स को देख के ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी केयर कैसे करनी है हमें। ट्यूबर जिन भी प्लांट में होते हैं उन प्लांट्स को पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है, क्योंकि इनके ट्यूबर्स में ही बहुत ज़्यादा पानी होता है, और अगर हम इन्हें बहुत ज़्यादा पानी देने लगेंगे तो ये प्लांट गल जाते हैं। तो अगर इसकी समर पॉटिंग सॉइल की हम बात करें तो पॉटिंग सॉइल इसकी एकदम भुरभुरी ऐसी होनी चाहिए जिसमें इसकी जड़ें बहुत आसानी से फैल सकें। ये देखिए, मैंने अभी इसने प्लांट को रिपोर्ट किया है और ये मेरी मिट्टी कितनी भुरभुरी है, हाथ में बिल्कुल भी नहीं चिपक रही है। तो ये इस तरह के जो सक्यूलेंट प्लांट होते हैं, सेमी सक्यूलेंट प्लांट होते हैं, जो रनर्स के थ्रू ग्रो होते हैं, बल्ब के थ्रू ग्रो होते हैं, उन्हें फैलने के लिए बहुत जगह चाहिए होती है। तो उनके लिए हमेशा अपना पॉटिंग सॉइल हमें भुरभुरा बनाकर रखना चाहिए जिसमें वो अच्छे से ग्रो कर सकें। दूसरी बात, उनके लिए हमें कभी भी इस तरीके के चौड़े पॉटों का सिलेक्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे उनकी ब्यूटी कम हो जाती है। हमेशा जब भी उनके लिए पॉट का सिलेक्शन करें तो आप इस तरह के शैलो पॉट का सिलेक्शन करें, जो ऊपर से तो जिनकी डेप्थ बहुत अच्छी हो, गोलाई गहराई बहुत अच्छी हो, लेकिन इस तरीके से ये गहराई वाला पोर्शन इनका कम हो। तो इससे क्या है, इनकी खूबसूरती निखर कर आती है। जब ये रनर्स के थ्रू आपस में मल्टीप्लाई होने लगते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन अगर हम इस तरह के पॉट्स में लगा देंगे तो वो क्या है, इनका नीचे इनकी गहराई तो ज़्यादा होती है, ऊपर का ये चौड़ा वाला एरिया कम होता है। तो ये मतलब एक जब बहुत सारे मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो इनकी ब्यूटी जो है, जो निखर के आनी चाहिए, वो नहीं आ पाती है।
तो हमें इस तरह के पॉट्स में इन्हें लगाना चाहिए। पॉटिंग सॉइल का मैंने आपको बता दिया कि बिल्कुल भुरभुरी होनी चाहिए। आप जब भी इसका पॉटिंग सॉइल बनाएं, इसमें रिवर सैंड जो रेत होती है, बजरी जिसे हम बोलते हैं, वो ज़्यादा मात्रा में डालें। और इसमें फर्टिलाइज़र भी आप ऐसा दें कि आपको बार बार डालने की ज़रूरत ना पड़े। तो आप एक बार में इसके अच्छी ऑर्गेनिक रिच पॉटिंग सॉइल बना लीजिए, क्योंकि जब भी आप इन्हें फिर इससे क्या होगा रिपोर्ट करेंगे तो ये क्या है एकदम जाल सा बन जाता है आपस में। देखिए मेरा अभी मैंने इसको रिपोर्ट किया है तो ये पूरा मेरा एक जाल सा बन चुका था। जब अगर आपकी मिट्टी ठोस होगी, पोरस नहीं होगी, तो क्या होगा जब आप इन्हें रिपोर्ट करेंगे तो वो ये इसके जो बल्ब्स हैं, इस तरह के बल्ब्स हैं, ये सारे टूट जाएंगे, क्योंकि मिट्टी ठोस होगी तो वो निकल नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आपकी मिट्टी पोरस होगी तो आप इसे इस तरीके से हिलाएंगे तो सारी मिट्टी तुरंत निकल जाएगी और इसकी जड़ों को, इसके बल्ब्स को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचेगा। तो इसलिए इनकी मिट्टी पोरस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं हम इसे कैसे एरिया में लगाएं। अगर हम इसे समर्स की बात कर रहे हैं तो आपको इसे शेडी एरिया में लगाना है। आप ऐसे एरिया में भी लगा सकते हैं दिन के एक आध घंटे की धूप आए, लेकिन अगर आप इसे शेडी एरिया में लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, वरना इसकी लीफ सारी बर्न होने लगती हैं। विंटर्स में आप इसे फुल धूप में भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत हरा भरा रहता है ये प्लांट। रेनी सीजन में भी कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन ये चार महीने जो भयंकर सर्दी गर्मी के आते हैं तो आप इसे फुल धूप में ना रखें, ऐसी जगह रखें जब दिन की हल्की हल्की सी छनी हुई धूप पड़ती हो। इंडोर भी इस प्लांट को आप रख सकते हैं, बेहद ही खूबसूरत प्लांट है। इंडोर रखने पर आप ये ध्यान रखें आप इसमें पानी बहुत कम दें, केवल स्प्रेयर से पानी दें। जब बिल्कुल ही मिट्टी ड्राई हो जाए, इसकी पत्तियां झुकने लगे, तभी आप इसे पानी दें, क्योंकि इसके ट्यूबर्स में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पानी होता है। इंडोर्स भी आप इसको ऐसी जगह रखें जहाँ इसे प्रॉपर सनलाइट मिले, थोड़ी खुली हवा, किसी विंडो के आसपास ऐसा रखें जहाँ थोड़ी खुली हवा, वेंटिलेशन बना रहे, क्योंकि इंडोर प्लांट्स को भी अलाइव रहने के लिए थोड़ी बहुत तो खुली हवा की और सनलाइट की ज़रूरत होती ही है। तो आप उसके लिए इसे ऐसी जगह पर ही रखें, जितने भी आप इंडोर प्लांट रखें तो उसके लिए आपको ये नेसेसरी ध्यान रखना चाहिए, वरना कई बार क्या होता है हमारे इंडोर प्लांट सड़ने गलने लगते हैं, फिर हम सोचते हैं कि हमसे क्या कमी रह गई, जबकि हम उसकी बहुत केयर करते हैं, लेकिन उन्हें भी थोड़ा बहुत वेंटिलेशन और सनलाइट मिलनी चाहिए। तो ये ट्यूबर्स के थ्रू बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है दोस्तों। देखिए जैसे कि मैं बताऊं, ये प्लांट जब बड़े बड़े होने लगते हैं तो इनके इस तरीके से रनर्स निकलने लगते हैं। तो अब इसी रनर्स को आप किसी सॉइल में ग्रो कर देंगे तो आपके पास इसके हज़ारों प्लांट तैयार हो जाएंगे, बहुत अच्छे से हज़ारों प्लांट आपके पास, कि आपको कभी ज़िंदगी में दोबारा खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने आसपास के पार्क वगैरह में खाली जगह पर बेड कवर के रूप में आप इस प्लांट को लगाइए, बहुत ही ज़्यादा फैलने वाला प्लांट है और पूरे एरिया को कवर कर लेगा और चारों तरफ आपकी ग्रीनरी ही ग्रीनरी रहेगी। तो आप इसे चाहे ट्यूबर्स के थ्रू इस तरह के इसके ट्यूबर, जैसे कि मेरा अभी ये ट्यूबर्स निकल गया है तो मैं इसे मिट्टी में लगा दूंगी तो प्लांट अपने आप ग्रो हो जाएंगे इसकी, क्योंकि इसमें जड़ें हैं, सबसे पहले इसमें जड़ें हैं और ट्यूबर्स में। और अगर मैं इसे भी लगाऊंगी, इसके इतने छोटे से पोर्शन को भी लगाऊंगी, तो ये मेरे पास मल्टीप्लाई बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो आप इसे समर्स में शेडी एरिया में लगाइए और विंटर्स में आप फुल धूप में रख सकते हैं। रेनी सीजन में इनमें ज़्यादा पानी नहीं जाना चाहिए, तो चूंकि आप पोरस मिट्टी बनाएंगे तो उसमें वाटरिंग की कोई प्रॉब्लम रहेगी ही नहीं। पॉट का सिलेक्शन मैंने आपको बता ही दिया, इस तरह के प्लांट पर किसी तरह के पेस्ट का अटैक नहीं होता है, ना ही किसी फंगस वगैरह का अटैक होता है, तो इसमें इसलिए इतनी ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं है। बस आप इन पर एक काम करते रह करिए, इन प्लांट की खूबसूरती इनकी पत्तियों से होती है, तो आप इन पे फूल पानी का स्प्रे करते रहा करिए, जिससे कि इनकी पत्तियां क्लीन और चमकती हुई रहें, गंदी ना रहें, क्योंकि ये इनकी खूबसूरती इनकी पत्तियों से। तो जब आप इनकी पत्तियों को साफ रखेंगे तो आपको अपने चारों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी दिखाई देगी और आपके मन और आँख दोनों को सुकून मिलेगा। तो ये एक स्पाइडर प्लांट बेहद ही खूबसूरत, इसे हैंगिंग बास्केट में भी लगाइए, किसी बड़े पॉट में दो तीन प्लांट के साथ मल्टीप्लाई करके लगा सकते हैं। जैसे कोई सी प्लांट में स्पेस खाली है, जैसे ये मेरा प्लांट है बड़ा, अब ये इसमें स्पेस खाली है, मैं इसे लगा दूंगी तो ये नीचे नीचे ग्रो होता रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनकी हाइट जाती नहीं है, तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल लुक आएगा। जब आपके प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही होगी या फिर आपका पॉट खाली खाली लगेगा, तो एक अलग लुक देते हैं। तो इस तरह से आप इन्हें ग्रो कर सकते हैं, बस आप इसकी पॉटिंग सॉइल का ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी सख्त मिट्टी नहीं होनी चाहिए और पानी आप इसमें ज़्यादा ना दें। फोलियर स्प्रे के द्वारा देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा इस प्लांट में, पेस्ट वगैरह के अटैक की इसमें कोई चिंता है ही नहीं। तो दोस्तों ये था ये स्पाइडर प्लांट को लेके ये कुछ मेरा था कि आप इसे ग्रो करें, इंडोर लगाएं, आउटडोर लगाएं, कहीं भी लगाएं, और बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, अपने आसपास के पार्क एरिया में लगाएं। वैसे भी ये टाइम बहुत अच्छा है, हम सब लोग फ्री हैं, आराम से इन सब कामों को कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन कीजिए, अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ और हवादार बनाइए। आने वाली पीढ़ी को ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत है, इसमें हम ही सहयोग कर सकते हैं अपने बच्चों को अच्छा जीवन देने के लिए। नेचर कैनवास से जुड़े रहिएगा, मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा,
और घंटी के आकार का बेल बटन दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो के नए नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और आपका कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई भी सजेशन आप मुझे दे सकते हैं, मैं आपके सजेशन पर जरूर गौर करूँगी। मिलेंगे फिर एक नई जानकारी के साथ। गुड बाय दोस्तों।